नमस्ते। तो आज का टॉपिक है कि क्या भगवान से कनेक्ट होना भक्ति फॉर्म में, क्या हमारा कुंडली में जो चीज़ें लिखी हैं हमारी किस्मत को बदल सकते हैं, क्या ये सच है, क्या ये पॉसिबल है। ये क्वेश्चन है जो बहुत लोगों ने पूछा है कि हमने कई बार सुना है कि ऐसा होता है और हमने देखा भी है, अपने घर में भी देखा है और अपने जान पहचान वालों के साथ भी देखा है कि उनकी कुंडली में तो कुछ और लिखा है लेकिन उनके साथ अब वो सब नहीं हो रहा है जो उसमें लिखा गया था। तो क्या ये सच में पॉसिबल है इस तरीके की कोई चीज़? इसका जवाब है यस, बिल्कुल बिना किसी डाउट के ये पॉसिबल है। ओके, देखो इसकी शुरुआत मैं तुमको बताना इस तरीके से शुरू करूंगी कि भगवद गीता में कृष्ण जी ने ये कहा है, उनका लास्ट श्लोक भगवद गीता का यही है कि तुम अगर मेरी शरण में सच्चे मन से आ गए, सच्चे सोल से आ गए, प्योरिटी से आ गए, तो तुम्हारी सारी तकलीफें, तुम्हारे जितने भी पिछले जन्म के पाप या कुछ अधूरी चीज़ें हैं या कर्ज़े हैं ज़िंदगी के, कर्ज़े सिर्फ पैसों से नहीं होते हैं, कर्ज़े बहुत तरीके के होते हैं, कई इसमें एक अलग वीडियो बनाऊंगी कभी, लेकिन जितनी तरीके के कर्ज़े हैं जो लोगों के साथ तुमने निपटाने हैं, ख़त्म करने हैं, पूरे करने हैं, उन सबको मैं टेक केयर करूँगा, लेकिन सच्चे मन और इनर सेल्फ से, कॉन्शियस लेवल्स से मेरे पास सरेंडर करके अगर आ गए, मुझे मान लिया, मुझे भक्ति की डोर में बांध लिया विद लव एंड अफेक्शन, तो ये सारी चीज़ें मैं बदल दूंगा, मैं अपने टेक केयर में कर लूँगा। तो जब भगवद गीता में ये चीज़ लिखी है तो ये कैसे नहीं सच होगी? ये बिल्कुल सच है। और जो मैं बोल रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि जिस पंडित ने या जिस एस्ट्रोलॉजर ने तुम्हें, फॉर एग्जांपल, इसको एक एग्जांपल की तरह समझने की कोशिश करते हैं ताकि सिंपल वे में समझो। फॉर एग्जांपल 50 to 55 का अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने तुम्हें एक समय दिया कि तुम्हारी जब इतनी उम्र होगी तो शायद 55 साल तुम्हारा आखिरी समय होगा, कि इससे ज़्यादा उम्र नहीं लिखी। वैसे तो कहा जाता है ज्योतिष में कि ये सब चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, लेकिन कुछ ज्योतिष हैं जो बताते हैं, या भृगु संहिता में अगर हम निकलवाते हैं तो वो डेट्स निकल आती हैं, वो साल भी निकल आता है, समझे? तो जब वो चीज़ निकल ही आई है तो कई बार क्या होता है, इंसान बहुत हताश फील करता है, बहुत लो फील करता है जब वो अपने अंतिम समय का समय जानने लगता है या जान जाता है। तो हम यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे हैं कि उसने अगर प्रिडिक्शन सही नहीं दी है एस्ट्रोलॉजर ने, नहीं। अगर देखो एक एस्ट्रोलॉजर ने अगर गलत दी भी है तो दोबारा से जाके तुमने अगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ ओपिनियन ले लिया है तो उसका मतलब है कि वो सच है, इजंट इट? और अगर 4-5 एस्ट्रोलॉजर्स ने एक साथ बोला है तो मतलब कुछ तो उसमें बात है जो उसने एज बताई है। अब हम इसी की बात कर रहे हैं, हम ऐसे ही सिनेरियो की बात कर रहे हैं, हम गलत प्रिडिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम बात करें अगर प्रिडिक्शन सही है और 4-5 एस्ट्रोलॉजर्स ने बोल दिया कि हाँ ये सही है और ऐसा ही है, तो उस समय की बात हम कर रहे हैं कि उसके बावजूद जब तुम्हें 55th ईयर लगा और तुमने उसको क्रॉस कर लिया और 3-4 साल और गुजर गए तो तुम सोचने बैठते हो कि ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल टाला ही नहीं जा सकता था, ये तो मेरे उसमें लिखित था, ये कैसे बदल गया? तो वो ऐसे बदल गया कि शायद उस दौरान या उससे कहीं पहले तुमने शायद सच्चे मन से भक्ति अर्चना ऊपर वाले के शुरू कर दी, अपने को पूरा सरेंडर कर दिया उनके सामने, पूरे विश्वास से, बिना किसी डाउट के, बिना किसी क्वेश्चन के, बिना कोई लॉजिक लगाए, न दिन देखी न रात देखा, बस अपने को पूरी तरीके से वहां पे समर्पित कर दिया तुमने। ये वही फॉर्मूला एक्टिवेट हो गया जो मैंने बताया कि कृष्ण जी ने भगवद गीता में बोला है। तो जब वो एक्टिवेट हो गया, बट उसको एक्टिवेट करने में बहुत डिसिप्लिन चाहिए, और ये किसी के कहने से नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि आज तुम लोगों ने ये वीडियो देखी और तुम लोग अगर ये बोलो गुरु जी ने तो ऐसा कहा था, चलो अब ऐसा इसको ट्राई करते हैं, नहीं, ये मेरे बताने से या तुम्हारे सुनने से नहीं आएगा। ये सिर्फ एक ऐसी चीज़ है कि जो ऑटोमेटिकली इंसान को फील होती है, उसने किसी मोटिव की वजह से नहीं किया ये,
उसने अपने आप से ऐसा करना शुरू कर दिया। तो जब कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है ना, जब तुम अपनी सारी मुसीबतें, सारी दुख, सारी परेशानियां एक्सेप्ट कर लेते हो ना और भगवान के सामने छोड़ देते हो कि यस हम कुछ गलत काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने को समर्पित करते हैं आपकी डिवाइन एनर्जीज़ के सामने। तुम्हारे इष्ट हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं वो जिन पे तुम्हें विश्वास है, तो वो सारी चीज़ें तुम्हारी उनकी परेशानियां हो जाती हैं जो तुम्हारी परेशानियां रही हैं। और ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं जिसमें लोगों की उम्र जो बताई गई थी उससे कहीं ज़्यादा वो ज़िंदा रहे हैं, या जो प्रॉब्लम्स बताई गई थी वो उससे वो निकल गए हैं, वो प्रॉब्लम्स आई ही नहीं, उनको तंग ही नहीं करा उन प्रॉब्लम्स ने। तो ये सब प्रूफ्स हैं उन चीज़ों के कि इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ये प्रमाण है उन चीज़ों का। और हमको तो ऐसे बहुत लोग मिले हैं और हमने खुद भी अपनी लाइफ में ये सब देखा है कि कुंडलियाँ बदल जाती हैं क्योंकि एक नई कुंडली तुम्हारी क्रिएट हो गई जो डिवाइन एनर्जीज ने क्रिएट कर दी, तुम्हारे पिछले कर्मों को माफ़ी दे दी, उनको टेक केयर कर लिया, कर्जा अपने ऊपर ले लिया, डिसॉल्व कर दिया। और वो होता कैसे है, जो तुम्हारा प्रेजेंट सिनेरियो होगा ना, जो प्रेजेंट तुम्हारा कार्मिक अकाउंट चल रहा होगा, सबसे पहले तो उसको टेक केयर किया जाएगा, उसको डिफ्यूज करेंगे ऑलमाइटी, समझे, और फिर रिवर्स गियर में गाड़ी चलेगी। उसके बाद फिर पीछे पीछे जाया जाएगा, जो भी तुम्हारे कार्मिक डेथ्स हैं उनको टेक केयर वो करेंगे, लेकिन वो तभी करेंगे जब तुम्हारा भक्ति भाव जो है ना वो टॉप मोस्ट उसमें होगा, कि उसके आगे तुम्हें कुछ सूझ नहीं रहा है, उसके आगे तुम्हें कोई डाउट नहीं है, कोई फेथ का बिलीफ सिस्टम नहीं हिला है, सब कुछ। ये बहुत डेप्थ वाली चीज़ें हैं और ये वीडियो भी वही लोग समझ पाएंगे जो सच में भक्ति भाव को भी महसूस करते हैं, या शायद वो ऑलरेडी इसमें रम चुके हैं। लॉजिक्स ढूंढने जाओगे तो कभी नहीं पाओगे। स्पिरिचुअलिटी में, फेथ में विश्वास कभी लॉजिक के साथ नहीं आता। तभी कहते हैं ना विश्वास अंधा होता है। हाँ, विश्वास अंधा ही होता है भाई, ये पक्की बात है, विश्वास अंधा ही होता है। ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो वो विश्वास नहीं है। विश्वास में कोई डिबेट नहीं होता, विश्वास में कोई डाउट्स नहीं होते, कोई प्रश्न नहीं उठते मन में उसके अगेंस्ट, ना कोई बात आती है, बस वो एक अफेक्शन है, वो एक लव है, वो एक अपने अंदर से एक वेव चलती है उसके प्रति, डिवाइन एनर्जी की तरफ, जो अपने आप से चलती है, अपने अंतर मन से शुरू होती है। तो जिन लोगों के साथ ये चीज़ शुरू होती है उन्हीं की ये चीज़ जो होती है वो एक्टिवेट होती है, जो मैंने बताई, जिनकी कुंडलियाँ बदल जाती हैं, कुंडलियों के में जो चीज़ें लिखी हैं वो भगवान बदल देते हैं और बिल्कुल बदलते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये सच है। जब कृष्ण जी ने बोल दी ये चीज़, भगवत गीता में लिखी है, कैसे झूठ हो सकती है। तुम्हारे साथ नहीं हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं एग्जिस्ट करती है, करती है, ठीक है। तो यही जवाब है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन और नए टॉपिक्स के साथ बहुत जल्दी हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय माँ काली।